तो अब जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हो पूरा आदमी। हेलो हेलो। यस हाँ चलिए ठीक है, सब अपना अपना ये कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए माइक को। ये बार बार स्क्रीन पे जो है हमें आ जाता है ऐड करने के लिए, तो बस ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 2 मिनट रुकिएगा सर। हाँ रुके हुए हैं। हाँ चलिए, ये जो है कंटाजियस कैप्राइन प्लेरोनिमोनिया, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ द फोर। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्लेग लाइक डिजीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज इन गोट। आई ऑल्सो प्रीवियसली डिस्कस इन द टाइप क्लासेस, जो ये पीपीआर पीपीआर के बारे में जो है क्लासेस में हमने इसको बताया था। तो जो आप लोग सब पीपीआर के क्लास अटेंड किए थे ना। हेलो हेलो हेलो। यस सर, हाँ, वो मेरा फोन आ रहा है। नेक्स्ट क्लासेस जो आपको हुआ था सीबीपीपी है ना, वो दिस इज अ डिजीज ऑफ द बोवाइन। ओके, एंड दिस इज द अदर माइको प्लाज्मल डिजीज जो है इंफेक्टेड टू द कैप्राइन ग्रुप। ओके, कैप्राइन ग्रुप में मेनली जो है गोट, गोट इज द मोर ससेप्टेबल एनिमल्स टू द इन्फेक्टेड टू द माइकोप्लाज्मा, जिसको कि हम लोग कंटाजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया के भी नाम से जानते हैं। इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ गोट्स कैरेक्टराइज बाय लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लंग्स एंड प्लूरा। दिस इज द स्पेसिफिक लोकेशंस इन द लंग्स एंड प्लूरल कैविटीज में ही इसका जो है लीजन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मोस्टली जितने भी ये पैथोजेंस होते हैं जिसका कि जो है देट द मोर साइट्स ऑफ द इनको ये पैथोलॉजिकल साइट्स लाइक जो है आपको लंग्स के साथ साथ लीवर किडनी एंड इंटेस्टाइन में जो है ऑलमोस्ट जो है इन्फेक्शंस होता है, बट इट इज द लोकलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग द लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस। ये जो है आपको लंग्स एज वेल एज द प्लूरल कैविटीज में इज प्रोड्यूसिंग द मोर परमानेंट लीजन्स। ये तो है कि जो है इसका आर्थराइटिस भी रिपोर्टेड है, जॉइंट्स में भी लीजन्स इसका प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है कुछ कुछ केसेस में जो स्ट्रेंस है उसमें आपको जो जेनेटल ऑर्गेन्स पे भी जो लीजन्स प्रोड्यूस करता है, बट मेनली इन द केस ऑफ द ये सीसीपीपी में जो है लंग्स जो है प्रोमिनेंट, लंग्स में प्रोमिनेंट लीजन्स एंड प्लूरल कैविटी में प्रोमिनेंट लीजन्स जो है प्रोड्यूस होता है। प्रोमिनेंट लीजन्स लाइक निमोनिया, निमोनिया में जो है वो फिब्रिन्स, फिब्रिन्स का जो है डिपोजिशंस हो जाता है। ठीक है, जो फिब्रिन्स का डिपोजिशंस के कारण जो लंग्स थोरेसिक कैविटीज अटैच्ड हो जाता है, लंग्स हार्ट्स ये सब जो है इतना फिब्रिन्स का डिपोजिट होता है जिसके कारण जो जितने भी ये थोरेसिक कैविटी में जो है ये होता है ऑर्गन्स होता है वो फिब्रिन्स के कारण जो है वो अटैच्ड हो जाता है कैविटीज से।
सुन पा रहे हैं ना? हेलो हेलो यस सर यस सर का जो हम लोग बात करें पैथोजेंस का बात जब करते हैं तो जो है टू स्ट्रेन्स ऑफ द माइकोप्लाज्मा माइकोइटिस ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस माइकोप्लाज्मा माइकोइटिस ऑफ स्मॉल क्लोनी SC और LC का जो चर्चा हम लोग करते थे जो माइकोप्लाज्मा माइकोइटिस और ए स्मॉल क्लोनी दिस इज रिस्पॉन्सिबल या प्रोड्यूसिंग द CBPP ठीक है कॉन्टाजियस बोवाइन फ्लूरोनिमोनिया बट माइकोप्लाज्मा माइकोइटिस ये लार्ज क्लोनी LC इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोड्यूसिंग द ये आपको CCPP ओके माइकोप्लाज्मा माइकोइटिस स्पेसीज लॉन्ग चेन स्ट्रेन्स टाइप इट इज आल्सो कॉल्ड F30 जो है F38 स्ट्रेन्स के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं ओके एक मिनट एडजस्ट करता हूँ सॉरी जो ये माइकोप्लाज्मा माइकोइटिस सब स्पेसीज जो ये स्ट्रेन है लॉन्ग चेन टाइप स्ट्रेन जो है इसको हम F38 स्ट्रेन के भी नाम से जानते हैं सो इट्स ए क्लियर कट ये जो है आपको लास्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी जो है या इम्पोर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कभी कभी पूछता है वो CBPP और जो है CCPP इसमें जो है डिफ्रेंसिएशंस लास्ट में जो है हम लोग बताएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है तो अभी से ही ध्यान देना है कि जो है दोनों में क्या जो है डिफ्रेंसिएशंस आ रहा कौन कौन सा पॉइंट्स जो है CBPP में होता है और CCPP में नहीं होता है ठीक है तो एक तो जो है इडियोलॉजिकल एजेंट्स पैथोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो अलग है ठीक है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ये जो है मोर और लेस आपको थर्टी कंट्रीज सो इन्फेक्टेड जो है दिस टाइप ऑफ द डिजीज माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शंस मेनली जो है अफ्रीका इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज मोर अफेक्टेड ऑफ द गोट स्पीसीज इन द अफ्रीकन टेरिटरीज एंड इट इज आल्सो आफ्टर दैट एशिया में जो है एशिया का भी कुछ कंट्री लाइक इंडिया पाकिस्तान जो है ये श्रीलंका ये सब में भी जो है इसका रिपोर्टिंग जो है कैप्राइन केसेस में मिलता है ठीक है अपना जो है इंडिया में भी ये PPR के बाद जो है गोट में जो है डिजीज जो है ये कंटाजियस कैप्राइन फ्लूरोनिमोनिया का मिलता है बट दिस इज अ वेरी सिमिलर मोर और लेस सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस इन द PPR एंड द ये जो है आपको CCPP और दोनों गोट का इन्फेक्शन है दोनों में जो है लंग्स जो है लीजन्स इन्वॉल्व होता है PPR में भी जो है प्रोमिनेंट लीजन्स जो है लंग्स में होता है उसमें भी जो है म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज होता है उसके बाद माउथ लीजन्स इन्वॉल्व होता है कंजक्टिवाइटिस होता है एक्सप्रेशंस ऑफ द थिक एग्जुडेट्स थिक पुलेंट एग्जुडेट्स थ्रू द आईज तो मोर और लेस जो है ये सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स जो है आपको
दोनों में मिलता है, तो उस डिजीज का भी ध्यान में रखना है कि हाउ कैन डिफ्रेंशिएट टू द जो है अदर इम्पोर्टेंट डिजीज इन द कैप्राइन। ट्रांसमिशंस का जहाँ तक बात आता है, ट्रांसमिशंस जो है इसको छोटा ही करके रखें तो बेटर है। ट्रांसमिशंस ट्रांसमिशंस का जहाँ तक बात है, ये जो है डिजीज मेनली स्प्रेड बाय द इनहेलेशंस। ये जो ट्रांसमिशंस जो है रूट ऑफ ट्रांसमिशंस जो है मेनली जो है इनहेलेशंस से होता है, बट द ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी फ्रेजाइल, वेरी सेंसिटिव टू द सनलाइट्स या जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। इट इज देयर इज नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग टाइम्स इन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। In the infections, it brought into the flock by carrier or infected animals. It is a chronic type of the infections. So that the more jo hai animals in the carrier forms, it's transmit the disease in the new herd, yeah, new jo hai healthy animals jo hai ye क्रोनिक टाइप का होता है। कैरियर एनिमल्स जो होता है क्या होता है, वो साइन सिम्टम्स भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लुक लाइक ए हेल्दी बट इनसाइड द गोट या जो एनिमल्स दैट द कैप द सो मेनी माइक्रोप्लाज्मल जो है इनफेक्ट उसमें जो है उसके अंदर में बॉडी में जो है उसमें डर रहा है और साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट वो जब भी स्ट्रेस में आता है या जब भी कोई भी एक्सक्रीशंस करता है, नेचुरल एक्सक्रीशंस करता है, इसमें भी प्रोड्यूस या स्प्रेड टू द नेचुरल ये जो स्नेजिंग या कफिंग हुआ तो वो फिर अपना जो ट्रांसमिट डिजीज जो है वो हेल्दी वन में करता है। इस ये डिजीज में ड्रॉबैक कंडीशंस है जो है हर एनिमल्स का स्क्रीनिंग नहीं करते हैं और जो है उसी हर्ड में कुछ एक भी एनिमल्स अगर कैरियर एनिमल आ गया तो इट मे बी इजीली ट्रांसमिट टू द हेल्दी वंस। पीपी जो है ये डिजीज जो है दिस डिजीज इज ऑन द लिस्ट ऑफ द डिजीज नोटिफाइबल डिजीज के लिस्ट में ये आता है। देयर आर सो मेनी डेंजरस डिजीज जो है जो ज़्यादा एंडेमिक होता है, ज़्यादा मोर्टिलिटी काउज करता है, और जैसे एंथ्रेक्स हो गया जो जूनोटिक भी है, सडन मोर्टिलिटी काउज करता है, तो रेबीज हो गया, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट डिजीज है सब वो ये नोटिफाइबल डिजीज के अंतर्गत आता है। तो इसको भी जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ वो आई भी जो है डिजीज को जो है नोटिफाइबल कैटेगरीज के डिजीज ये कैटेगरीज में रखा है। अब सीसीपीपी हैज बीन रिपोर्टेड टू अफेक्ट ओनली गोट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ओनली गोट में, नहीं ये एनिमल्स ये जो गोट में ही ये डिजीज रिपोर्टेड होता है। इट्स अ लिस्ट या देयर द नो एनी रिपोर्ट इन द शीप में जो है इसका कोई अभी तक एवरी जाएंगे कल तक दिल्ली पे एप्पल के फोन ले आएंगे। व्हाट क्या बोल रहे हो? भाई फोन खरीद लेने से रहे कल पैसा लेके आएंगे। हेलो अभिषेक बंद करो माइक। अभिषेक हाँ ठीक है, अपना माइक को म्यूट कर लो। अभिषेक का तो माइक म्यूट बता रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है पता नहीं। तो जो है ये डोमेस्टिक गोट के साथ साथ जो है वाइल्ड गोट या जो है हिमालयन गोट्स एज वेल एज द
जो है ये डियर स्पीसीज भी जो है आल्सो अफेक्टेड टू द सीसीपीपी। अब जो है सीसीपीपी से अगर अफेक्टेड अगर एनिमल्स है तो उसमें प्रोड्यूसिंग सो मेनी साइंस लाइक एनोरेक्सिया, हाइपरथर्मिया या फीवर। फीवर जो है जब टू द 105 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है फीवर पहुंच जाता है, जैसे हाई राइज ऑफ द टेम्परेचर, इनएबिलिटी टू द स्टैंड। इनएबिलिटी टू द स्टैंड बिकॉज इन द केस ऑफ द जो है सीसीपीपी देयर द रिपोर्टिंग टू द या पैथोजेनेसिस डेवलप्स इन द जॉइंट्स रीजन। सो इन द जॉइंट्स रीजन देयर द प्रोड्यूसिंग आर्थराइटिस एंड एनिमल्स, इट मे बी द ड्यू टू द ड्यूरेबिलिटी और देयर द पेन इन द जॉइंट्स, देयर द अनेबल टू द स्टैंड, रिलक्टेंट टू मूव, देयर द मूवमेंट जो है इसमें स्टॉप हो जाता है, स्टिफनेस और एक्सटेंडेड नेक, स्टिफनेस एंड एक्सटेंडेड नेक इज दिस इज द पिक्यूलियर साइन ऑफ द गोट अफेक्टेड थ्रू द सीसीपीपी बिकॉज देयर द more prominent lesions develops in the lungs and lungs highly jo hai inflamed and there the after that that the exchange of the jo hai air ya breathing is jo hai and ye easily nahi ho pata hai, jiske karan jo hai apna koshish karta hai ki wo stress deke neck pe jo hai इनहेलेशंस को वो रेगुलर रखने के लिए। इसलिए जो है इस केसेस में जो है स्टिफनेस एक्सटेंडेड नेक जो है ये चीज आल्सो प्रोड्यूस इन द केस ऑफ द बोवाइन एज वेल एज द जो है कैप्राइन, दोनों में जो है ये एक्सटेंडेड नेक जो है प्रोमिनेंट क्रॉसली या जो है ये साइंस जो है हम लोग देख सकते हैं। और कोई भी सिंपल अगर ये निमोनिक इन्फेक्शन हो या जो है पीपीआर के केसेस में हो तो इस टाइप का जो है ये रीजन साइंस जो है नहीं मिलता है। बट इन द केस ऑफ द सीसीपीपी सीसीपीपी में जो है जब गोट इफेक्टेड होता है तो इस टाइप का जो है एक्सटेंडेड नेक करके जो है गोट दिखाई देता है। कफिंग, डिस्पेनिया, क्वाइट प्रोलेंट नेजल डिस्चार्जेस ये आपको दिखाई देगा। इन टर्मिनल स्टेज ब्रीथिंग करने लगता है इन थ्रू द माउथ, ठीक है, नेजल पैसेज जो है पूरा वो म्यूकस से जो है फिल हो जाता है, तो जिसके कारण जो है नेजल पेसिस से जो है एयरवेज पासिस नहीं होता है, तो कोशिश करता है वो मुंह खोल के जो है ब्रेथिंग करने का, ठीक है। लास्टली जो है टंग प्रोट्यूशंस हो जाता है, टंग का बाहर वो आ जाता है, ठीक है। एंड लास्टली फोर्थ सलाइवेशंस विथ डेथ इन टू और मोर डेज जो है, जैसे यूवी सलाइवेशंस जो है रॉकी सलाइवेशंस होता है आफ्टर जो है जैसे जैसे कंडीशंस उसका जो है ये खराब होने लगता है तो ये सलाइवेशंस फॉर्टी सलाइवेशंस ड्रिबलिंग होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ द सीसीपीपी जो मोर्टिलिटी इज द वेरी हाई, इट इज आल्सो रीचिंग इन द आउटब्रेक कंडीशंस, ठीक है, आउटब्रेक सिचुएशंस में जो है मोर्टिलिटी 80 to 100% तक जो है पहुंच जाता है। दिस इज द फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टिफनेस और एक्सटेंडेड नेक जो है इंफेक्टेड टू द सीसीपीपी बोर्ड्स। दिस टाइप ऑफ द पोस्चर्स डेवलप्स इन द बोर्ड इन कंडीशंस ऑफ द सीसीपीपी
इफेक्टेड वो में जो है ना, जब एक होता है इसी ढंग से गला को जो है अपना एक्सटेंड करके वो अदर वन इज द इस इज द म्यूकोमिकॉइड प्रोलेंट नेजल डिस्चार्जेज एंड कफिंग जो है डेवलप होता है। इस टाइप का जो है लीजन्स हमने आपको पीपीआर के केसेस में दिखाया होगा, ठीक है। तो पीपीआर के केसेस में जो है देर द ये भी गोट जो है लग रहा है डल डिप्रेस एंड देर द प्रोड्यूसिंग द जो है माउथ लीजन्स, प्रोड्यूसिंग द माउथ लीजन्स। बट इन द केस ऑफ द पीपीआर पीपीआर के केसेस में देर द अल्सरेशंस डेवलप्स जो होता है उसके बाद जो है स्टोमेटाइटिस डेवलप होता है। बट इन द केस ऑफ द ये जो है आपको सीसीपीपी के केसेस में देर द नो एनी माउथ लीजन्स प्रोड्यूस, स्टोमेटाइटिस नहीं होगा, अल्सरेशंस नहीं होगा, ठीक है। ओनली जो है ये म्यूकोप्रोलेंट नेजल डिस्चार्जेज होगा, बट जो है वो पीपीआर के केसेस में अल्सर्स का डेवलप होना, अल्सरेशंस होना, वो ब्रेन लाइक डिपोजिशंस जो है डेंटल पिट पे ये अल्सरेशंस डेवलप हो जाना, ये सब रीजंस अब्सेंट रहेगा। तो जो है आपको खुद ही डिफरेंशिएशंस का जो है पॉइंट बनाना है और अच्छे से डिस्क्राइब करना है। Lesions in the mainly in the pulmonary lesions, ये जो है secretions of lungs tissue, this is a completely or less या इसको absent ही बोलेंगे in the case of the CCPP, but it is a case of the CBPP it is a common lesions। ये क्या है, this is the ये स्पिरेशंस जो है दिस इज द डेवलप द अदर्स लंग्स टिश्यूज, ठीक है, विदाउट एनी सप्लाई ऑफ द मेन ब्लड वेसल्स जो है ये इसमें क्या होता है डेवलप कर जाता है, एक लंग्स में मास डेवलप कर जाता है और इसमें जो है एक सिस्टमेटिक सप्लाई डेवलप होता है इन द ये बॉडी से अलग से, ठीक है। इसमें ब्रोंकियल्स जो है सप्लाई ब्रोंकियल ट्री से ये सीधे कटअप होता है, इसमें एक जो टिश्यूज डेवलप होता है साइड से लंग्स के लोब में और ये जो है अपना ब्लड सप्लाई जो है अदर कहीं से भी ब्लड बॉडी से ये सप्लाई फ्लो जो है प्रोवाइड कर लेता है। जो है ये मेनली जो है सीबीपीपी के केसेस में ये मेनली डेवलप मिलता है, बट इन द केस ऑफ द सीसीपीपी इट इज कंप्लीटली अब्सेंट, दिस टाइप ऑफ द हैपनिंग नॉट अकर्स इन द सीसीपीपी, इट इज आल्सो कॉमन फीचर्स ऑफ द सीबीपीपी। And there is a often an abundant pleural bloody exudates and pleuritis, ठीक है। ये जो है lungs के cases में जब हम affected animals का जो है जब PM करेंगे, जब खोलेंगे इसका जो है carcasses को, तो देखेंगे कि thoracic cavity को जैसे ही open करेंगे there the abundant amounts of the exudates present in the thoracic cavity। इन द एक्यूट केसेस में जो है ये तो स्ट्रॉ कलर का रहेगा, जैसे ही इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा क्रोनिक फेज में जाएगा देखो मिक्स विद द ब्लड, तो ये ब्लडी एक्यूडेट्स रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट प्लूरल एक्यूडेट्स कैन सॉलिडिफाई एंड फॉर्म ए जिलिटिनियस कवरिंग समटाइम्स ओवर द होल लंग्स, ठीक है। जो है पूरे का पूरे लंग्स जो है ये जिलिटिनियस कवर्स जो है फेब्रिनियस कवर से जो है ये ढका हुआ मिलेगा आपको। इन एक्यूट केस द जैसे मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि एक्यूट केस में जो है पुलर कैविटी कंटेंस एक्सेस ऑफ द स्ट्रॉ कलर फ्लूइड्स,
ठीक है, स्ट्रोकलर्स का फ्लूड्स रहेगा, बट जैसे ही जैसे इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, क्रोनिक की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो है एग्जुडेट्स जो है ये ब्लड मिक्स टाइप का एग्जुडेट्स मिलेगा। मैं फोटोग्राफ भी इसको आगे में जो है इसका मैं दिखा रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा। दिस इज अ, ये जो है मैं उसको इसके बाद में दिखाता हूँ, ये लंग्स, जिस लंग्स को जो है ओपन किए, तो जैसे कोई भी अगर पीपीआर का केसेस हो या कोई भी सिंपल निमोनिक रीजंस हो, तो देखो तो क्या होता है, तो ये लंग्स में जो है आपका जो है ग्रे हेपेटाइजेशंस, रेड हेपेटाइजेशंस, कंजेशंस, ये सब मिलता है। बट दिस टाइप ऑफ द रीजंस जो ये फिब्रियस का जिलेटिनियस रीजंस, जिलेटिनियस कवरिंग्स जो है, आपको ये माइक्रोप्लाज्मल इन्फेक्शन में ही मिलेगा। दिस द वेरी क्लियर कट डिफरेंशिएट टू द अदर पैथोजेंस। ओके, दिस इज अ प्रोमिनेंट लीजन्स लाइक ये जिलेटिनियस फिब्रिनियस मार्क्स डेवलप ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, देख रहे हो ना, फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, जैसे पीपीआर का लंग दिखाए होंगे, हाँ पीपीआर का लंग्स दिखाए होंगे, तो पीपीआर का लंग्स जो है आपको ये पूरा जो है आपको हाईली इन्फ्लेम्ड, हाईली कंजेस्टेड, ठीक है, या जो है वो जो निमोनिया का जो स्टेज होता है, फोर स्टेज में, उसकी तरफ आपको बढ़ते हुए मिलेगा। बट जो है दिस टाइप ऑफ द लीजन्स कैन नॉट बी द अदर्स और ये जो है पैथोजेनिक कंडीशंस में आपको नहीं मिलता होगा। ठीक है, जो है ये आपको जब भी एनिमल्स को खोलेंगे, जब माइक्रोप्लाज्मल इन्फेक्शन होगा, तो ये आपको क्लियर कट दिखाई देगा। आवाज आप लोग मिस कर लें, ये जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, इन द जो है एक्यूट केसेस में मैंने बताया था, ये जो है स्ट्रोकलर फ्लूड, इतना आदमी जुटते रहे वो लास्ट तक। हाँ, जो पुलरल कैविटी कंटेंस एन एक्सेस ऑफ द स्ट्रोकुलर फ्लूइड्स, ठीक है, ये देखो ये कैविटी में आपको ये फ्लूइड है, लंग्स है, ये रिब्स है, ठीक है, लंग्स को इधर कर दिए हैं, तो ये आपको जो फ्लूइड्स दिखाई दे रहा है, द फ्लूइड्स का क्या कलर है, देखा स्ट्रोकुलर्स लाइटली येलोइश कलर्स का ये फ्लूइड्स है ना, तो जो है यस सर, एक्यूट केसेस में जो है ये आपको फ्रॉम ये इस टाइप का लीजंस मिलेगा। जैसे जैसे ये प्रोग्रेसेस होगा, इसका ड्यूरेशंस बढ़ेगा, दैट द कलर ऑफ द एग्जुडेट्स ब्लडी कलर हो जाएगा, ठीक है, ब्लड मिक्स्ड एग्जुडेट्स जो है आपको कैविटीज में मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस लीजन्स द क्रोनिक केसेस देयर इज ए ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ लंग टिश्यू एंड स्पेसेस ऑफ द नेक्रोटिक लंग्स एरिया मे बी डेवलप एडहेशंस बिटवीन द लंग्स एंड द पुलरा आर वेरी कॉमन एंड ऑफ्टन वेरी थिक। ये जो मैंने आपको बराबर बताते आ रहा हूँ, जैसे आपको बोवाइन के केसेस में भी एडहेशंस हुआ था, ठीक है, एडहेशंस लंग्स पुलराल एंड थोरेसिक जो वाल है उसमें जो है जितने भी ऑर्गेन्स हो गया, लंग्स हो गया, हर्ट हो गया, सबको जो है अटैचमेंट जो है आ गया ड्यू टू द फिब्रिनियस जो है फिब्रिन्स का प्रोडक्शन के कारण जो है एक दूसरे को जो है जैसे लंग थोरेसिक कैविटी में ऑल आर द वाइटल ऑर्गन्स इंडिविजुअली होता है वो
अपना कैपेसिटी के अनुसार जो है लंग हार्ट जो है पंप करता है, लंग्स जो है अगर हाईली एक्साइटेड कंडीशंस हुआ, एक्सरसाइज कंडीशंस हुआ तो उसका जो है एक्सपल्शंस जो है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल में जो होता है। बट इस सिचुएशंस में क्या करता है, जितने भी जो है ऑर्गन्स होता है उसको एक दूसरे से फिब्रिल्स से जो है कैविटीज में, थोरेसिक कैविटी में अटैच कर देता है। तो एनिमल्स जो है इस कंडीशंस में जो है एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा, ज़्यादा वो मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक जगह जो है वो डल डिप्रेस कंडीशंस में जो है बैठा रहेगा और स्ट्रगलिंग टू द ब्रीथिंग वो करते रहेगा, ठीक है। देयर इज द फेब्रिनियस फ्लोराइटिस एंड पेरिकार्डियाटिस, जो है पेरिकार्डियाटिस में इसमें जो है हर्ट में भी जो है लीजन्स ये पेरिफोमस मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था आर्थराइटिस और जो है मेस्टाइटिस जो है अदर जो स्ट्रेन्स है जिसका कि मैंने आगे चर्चा करेंगे आपको, इन एडिशन टू द निमोनिया द इन्फेक्शंस में भी आल्सो काउज द आर्थराइटिस और मेस्टाइटिस, उसको मैं आगे चर्चा करता हूँ। कुछ और स्ट्रेन्स है जो मेस्टाइटिस भी जो है काउज करता है। वही चीज है फिब्रिनस कवरिंग ओवर द लोब्स, सुपरफिशियल व्यू ऑफ लंग्स गोइंग द स्कार ऑफ एन एडहेशन बिटवीन द लोब्स एंड थोरेसिक वॉल, इसका कि मैंने चर्चा कर दिया हूँ, ठीक है। ये ग्रॉस लीजन्स में लंग्स में जो है आप लोग को ये जो है जब कार्कस को ओपन करेंगे तो लंग्स जो है सुपरफिशियल व्यू ऑफ द लंग्स गोइंग द नेक्रोसिस वो नेक्रोज रहेगा एंड consolidated of the lobes, infected regions often appear grey, and the common name of the grey lung, grey lung भी इसको जो है इस disease को जो है बोलते हैं due to the affected portions of the lungs appear the greyish in color. Lungs is covered with fibrin and there is the excessive fluid in the thoracic cavity. It is also already discussed. अब जो है लीजन्स में जो है ग्रॉस लीजन्स हमने देख लिया, ग्रॉस लीजन्स में प्रोमिनेंट लीजन्स जो है उसको देख के कोई भी कंफ्यूजन अदर डिजीज से नहीं होगा, हम लोग जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसी ढंग से जो है हम अब जो है टिश्यूज का प्रोसेस, टिश्यू का प्रोसेस करके जो अफेक्टेड टिश्यू है, अफेक्टेड लंग्स है, उसका जो है प्रोसेस करके उसका जो है जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे द माइक्रोस्कोपिक लंग्स प्रोड्यूसिंग द नेक्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू विथ इन्फ्लामेटरी लुमिनल एग्जुडेट सेप्टल डिस्टेंशन एंड एपिथेलॉइड हाइपरप्लेसिया, ठीक है। इसको भी मैं फोटोग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड एक्यूट केसेस में जो है histological section of lungs showing the acute fibrinous pneumonia with precipitates of the fibrin mixed with inflammatory cells in the alveoli, आपको जो है alveoli में दिखाई देगा। The microscopic lesions of the lungs, ये जो है आपको इस द ए और बी जो है ये सिंपल लंग्स का है फोटोग्राफ्स है, बट आफ्टर द इफेक्टेड टू द माइक्रोप्लाज्मा से जो है जब इफेक्टेड होगा तो लंग्स जो है आपको देखो दिस पोर्शन, दिस पोर्शन देयर द डेवलप ए थिक लेयर्स, दिस इज द एक्युमुलेशंस ऑफ द फिब्रिन्स एरो रीजन्स यहाँ पर है, ठीक है। एंड देयर द ए डॉटेड all the dots, this is the infiltrations of the neutrophils, there the hazy appearance, this is the accumulations of the edematous fluids, okay। उसी का जो है फिर आपको in large size, sorry, ये जो enlarge करके उसका मैग्निफाई करके दिखाई दिया, दे ऑल आर द इंफ्लामेटरी सेल्स, इंफिल्ट्रेशंस ऑफ द सीवियर इंफ्लामेटरी सेल्स एंड देयर द
red it is also indicating the this is the RBC, the hemorrhagic situations in the lungs tissues. Okay. अब उसके बाद जो है आता है आपको डायग्नोसिस. ये जो है हम लोग ग्रॉस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस एंड ऑब्जर्व द ग्रॉस लीजन्स.